अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको ब्रीडिंग टिप्स दूंगा कि आपने अपने बर्ड्स से कैसे ब्रीड ले सकते हैं। तो आपने सारे पॉइंट तवज्जो से सुनने हैं और वीडियो को पूरा देखना है। तो और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलते हैं टॉपिक पर। तो ऑस्ट्रेलियन बजिस की ब्रीड के लिए सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो है मेल और फीमेल में फ़र्क। अक्सर जो न्यू सेटअप स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलियन बजिस का, तो उन्हें इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। तो इसका आसान तरीका ये है, मेल का जो नोज़ का कलर होगा बिल्कुल डार्क ब्लू होगा, और फीमेल की नोज़ का कलर या तो वाइट होगा या तो ब्राउन होगा। फीमेल की नोज़ का कलर ब्राउन जब होगा जब उसका ब्रीडिंग मूड होगा, मतलब जब वो ब्रीडिंग करना चाहेगी, और उसी तरह जब मेल ब्रीडिंग मूड में होगा तो उसकी नोज़ का कलर डार्क ब्लू हो जाएगा। इस तरह आपको बजिस पैरेट में मेल फीमेल के फ़र्क का आइडिया हो जाएगा। मेल फीमेल के फ़र्क के साथ साथ जो बजिस की ब्रीडिंग के लिए बेसिक चीज़ होती है वो है बर्ड्स की उम्र होती है, कि इनकी एज क्या होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियन बजिस तकरीबन 4 से 5 मंथ की एज में ब्रीडिंग के काबिल हो जाते हैं। आप इस तरह भी अपने बजिस की एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बर्ड्स की आँख में एक वाइट कलर का रंग आ जाएगा और इसके हेड का कलर क्लियर हो जाता है, तो आप समझ जाएं वो पट्ठों से एक अडल्ट बर्ड्स हो गए हैं और वो ब्रीड के काबिल हो गए हैं। तो आप फौरन उन्हें एक ऐसे केज में डालें जहां मटकी लगी हो, ताकि वो जल्द अज जल्द ब्रीडिंग स्टार्ट कर सकें। आपको एक बात और बताता चलूं, अगर आपके बर्ड्स केज में बड़े हुए हैं तो वो फिर 6 से 7 मंथ की एज में ब्रीड के काबिल होंगे, और अगर वही बर्ड्स एक कॉलोनी में बड़े होंगे तो वो 4 से 5 मंथ की एज में ब्रीड के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि कॉलोनी में बर्ड जल्दी मैच्योर होता है। इसे एक आज़ाद माहौल मिलता है, स्पेस ज़्यादा होने की वजह से आराम से ज़्यादा फ्लाई करता है, और बाकी बर्ड से वो काफ़ी सीखता है, वो जल्दी ब्रीड की तरफ आता है। और अगर आप एक ही केज में एक पेयर रखेंगे तो ब्रीड लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा कॉलम वाला केज है तो ब्रीड नॉर्मल वक्त पर होगी, क्योंकि इस केज के कॉलम इस तरह के होंगे बर्ड दूसरे बर्ड्स को आसानी से देख लें, इन्हें अच्छा इन्वायरमेंट मिले। और आप केज एक जगह रखेंगे, केज हिलाएंगे नहीं, बार बार इन्हें तंग नहीं करेंगे, तो ब्रीड अपने वक्त पर होगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है केज और कॉलोनी के बारे में। अगर आप अपने बर्ड से ब्रीड लेना चाहते हैं तो इनका केज एक पेयर के लिए कम से कम 1.5 बाय 1.5 फुट का कॉलम लाजमी प्रोवाइड करें, और अगर आपके केज का कॉलम इससे छोटा है तो आपके बर्ड्स को बिल्कुल भी फ्लाई नहीं मिलेगी और वो ब्रीडिंग की तरफ बिल्कुल नहीं आएगा और एक ही जगह बैठा रहेगा। इसलिए कम से कम अपने बर्ड्स को 1.5 फुट का केज प्रोवाइड करें। और अगर कॉलोनी में बर्ड्स को रखना चाहते हैं तो कॉलोनी भी ऐसी होनी चाहिए कि सब ही बर्ड्स को अच्छी फुलाई मिले, और मटकियों के दरमियान फासला भी होना चाहिए। और अगर आपने छोटी कॉलोनी बनाई है तो इसमें ज़्यादा पेयर नहीं रखें, वरना इनमें फाइट का मसला आएगा और ब्रीडिंग में भी काफ़ी मसाइल आ सकते हैं। कॉलोनी हमेशा बड़ी रखें ताकि बर्ड्स आसानी से फुलाई कर सकें, किसी किस्म की चर्बी वाला मसला इनके साथ ना आए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो काफ़ी अहम है और आपने इसे गौर से सुनना है, जो ऑस्ट्रेलियन बजिस के फूड के बारे में है। इसमें आपको मैं मिक्स सीड के बारे में बताऊंगा, सॉफ्ट फूड के बारे में बताऊंगा और ग्रीन फूड के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिक्स सीड की। मिक्स सीड में आपने बाजरा, कंगनी, सूरजमुखी के बीज, लाल कंगनी का इस्तेमाल करना है। मिक्स सीड आप बर्ड स्टॉप से भी ले सकते हैं, और अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वीडियो में जाके भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्ट फूड के बारे में, जो मिक्स सीड से भी काफ़ी अहम है। सॉफ्ट फूड में उबले हुए चावल, उबली हुई गंदम और उबला काला चना दे सकते हैं, जो आपने अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक बार लाजमी देना है। ग्रीन फूड में आप पालक, धनिया, पुदीना दे सकते हैं, ये भी हफ्ते में एक बार यूज़ करवाएं, वरना आपके बर्ड्स को मोशन हो जाएंगे। अगर आप ग्रीन वेजिटेबल अपने बर्ड्स को देंगे तो इनकी मल्टी विटामिन और कैल्शियम की कमी पूरी होगी। ग्रीन सब्ज़ी में खीरा, शिमला मिर्च और मटर दे सकते हैं, ये नेचुरल तरीका भी है बर्ड्स में कैल्शियम और विटामिन की कमी पूरी करने का। और इसके साथ साथ आप अपने बर्ड्स के केज में
कैल्शियम ब्लॉक और समुद्री झाग भी रखे हैं। ये कैल्शियम की कमी पूरी करेगा। आप अपने बर्ड्स को अच्छी जगह रखें, मतलब वहाँ ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, ताकि बर्ड्स को मुकम्मल प्राइवेसी मिले। अगर ऐसा माहौल बर्ड्स को मिलेगा तो वो जल्दी ब्रीड पर आएंगे। और केज में आप स्टिक लकड़ी की या फिर प्लास्टिक की जो बर्ड शॉप से आसानी से मिल जाती है वो लगाएं, और स्टिक इस तरह लगाएं कि वो बिल्कुल भी हिले नहीं, ताकि बर्ड्स आसानी से इस पर मेटिंग कर सकें। और मटकी कॉर्नर पर लगाएं और जितना ऊपर लगा सकते हैं मटकी को लगाएं, तब ही आपके बर्ड्स को मटकी पसंद आएगी और फीमेल मटकी में जाएगी। और स्टिक मटकी के सामने लगाएं ताकि फीमेल को मटकी में झांकने का मौका मिले और इसे महसूस हो मैं यहाँ अंडे ले कर सकती हूँ, किसी किस्म का डर ना हो। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपने बर्ड्स से ब्रीडिंग ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।